ऋतुराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी टुनटुन यादव उर्फ टाइगर को जमुई पुलिस द्वारा मांगो बदर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा मुख्य आरोपी सुरजीत कुमार उर्फ सोनू यादव पिता दिनेश्वर जाधव ग्राम विट्ठलपुर थाना जिला जमुई को ग्राम विट्ठलपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज शाम तीसरे मुख्य आरोपी मनु कुमार मोदी पिता स्वर्गीय राजकुमार मोदी ग्राम नीमा थाना व जिला जमुई को ग्राम भजियार से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने कहा कि हत्याकांड में 5 नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है। कई घटना ऐसी होती है जिससे पत्नी की हत्या पति ने कर दिया। हत्याओं की बहुत सारी चीजें हमारे बस में नहीं होती है, प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग जरूर लेते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है, घटना होती है, तो हम लोग बहुत गंभीरता से उस घटना का पीछा करते हैं। जैसे आप ही बता रहे हैं कि जमुई थाना के केस में परसों मर्डर हुआ और अभी तक 3 लोगों की नामजद लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 4 में, 5 में से 3 अरेस्ट हो गए, और अरेस्टिंग इतना आसान भी नहीं होता करना, तो पूरी टीम लगी हुई है। घटना के बाद हम लोग प्रत्युत्तर उसी भाषा में देते हैं। जमुई शहर में बीते सोमवार सुबह को प्रमिला रेस्ट हाउस के पास 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के दौरान कल्याणपुर वार्ड नंबर 21 निवासी विनोद कुमार सिन्हा के 24 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार उर्फ ऋतुराज की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। गोलीबारी में कल्याणपुर वार्ड नंबर 21 निवासी सुनील यादव के 24 वर्षीय पुत्र विक्रम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। दिन दहाड़े हुई ऋतुराज हत्याकांड के बाद जमुई शहर में सनसनी फैल गई। इस मामले में मंगलवार को परिजनों और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन से हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस मामले में इंदपे के टुनटुन यादव उर्फ टाइगर, बोधवन तालाब के सोनू उर्फ सोना यादव, बिठलपुर के सोनू यादव और नीमा रंग के करण साव का नाम गोलीकांड में आया था, जिसमें टुनटुन यादव उर्फ टाइगर मुख्य अभियुक्त था। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर